It means that preposition is a word which shows relations between a noun and a pronoun in a sentence. Preposition ऐसे words को कहते हैं जो कि एक नाम, एक संज्ञा या सर्वनाम के relation को दूसरे उसी sentence में present संज्ञा और सर्वनाम के साथ बताए relation कि उसका उसके साथ क्या संबंध है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, prepositions कहते हैं। रिलेट करने का काम होता है, इसको जोड़ने का काम होता है दो नाउन और प्रोनाउन को एक सेंटेंस में। आई थिंक कि आपको अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर करूंगी। जैसे फर्स्ट में दिया है, आई एम गोइंग टू माय स्कूल, ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं अपने स्कूल जा रहा हूं। तो देखो यहां पे टू वर्ड्स, जो टू जो वर्ड है ये एक नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे देखो कैसे, जैसे यहाँ पे आई क्या है, एक प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन को आई एम गोइंग टू माय स्कूल, मैं अपने स्कूल जा रहा हूं, और यहाँ पे स्कूल क्या है, नाउन है। तो इस एक प्रोनाउन को एक नाउन के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है एक ही सेंटेंस में, कौन सा वर्ड, टू। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन है। यानी कि एक सेंटेंस में अगर कोई एक नाउन है या फिर प्रोनाउन है, उसको जोड़ने का काम, उसको रिलेट करने का काम जो है वो प्रेपोजिशन करता है, उनके बीच में रिलेशन बताने का काम क्या करता है, प्रेपोजिशन करता है। तो टू, ऑफ, बाय, ओवर, अक्रॉस, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। एट, यहाँ पे देखिए, द पीपल ऑफ दिस टाउन आर जेंटल, इस शहर के लोग जो है वो जेंटल है। अब यहाँ पे किस दो नाउन को ये रिलेट कर रहा है, तो ये ऑफ जो वर्ड है, एक तो ये द पीपल जो नाउन है, इसको उसी शहर के टाउन से, तो ये दो नाउन दिख रहे हैं, इस दो नाउन को रिलेट कौन सा वर्ड कर रहा है, ऑफ कर रहा है। तो ऑफ क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ। उसी तरह यहाँ आते हैं, ही इज लुकिंग एट द क्लॉक, वो कहाँ देख रहा, क्लॉक पे। तो यहाँ पे कौन से दो नाउन को रिलेट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ एक ही है वर्ड जो कि आपका प्रोनाउन है, और यहाँ क्लॉक है, वो इसको रिलेट करने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है, एट। तो एट क्या है, प्रेपोजिशन है, कि ही इज लुकिंग एट द क्लॉक, वो घड़ी पे देख रहा है। द बॉयज आर इन द क्लास, बॉयज कहाँ है, क्लास में है। तो यहाँ पे एक जो नाउन है द बॉयज और एक जो है क्लास, इस दोनों को रिलेट करने का काम ये प्रेपोजिशन करता है इन। द कैट इज ऑन द टेबल, कैट किस पर है, टेबल पर है। तो यहाँ पे द कैट जो नाउन है उसको इस टेबल नाउन के साथ रिलेट करने का काम किसका है, ऑन का। ऑन ही इन दो नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को बता रहा है, दैट्स व्हाई ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। द डॉग इज नियर द टेबल, डॉग क्या है, टेबल के नजदीक है। तो यहाँ पे जो डॉग नाउन है उस टेबल नाउन के साथ रिलेट करने का काम ये नियर कर रहा है वर्ड, तो नियर क्या है, एक प्रेपोजिशन है। उसी तरह और प्रेपोजिशन हम लोग देखें तो अंडर, विथ, इनटू, ओवर, अक्रॉस, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन होते हैं। और आपको जैसे कि पहले डेफिनेशन से पहले मैंने बताया कि प्रेपोजिशन जो होते हैं ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि रिलेशन शो करता है, क्या शो करता है, रिलेशन, एक तरह से संबंध बताता है, रिलेशन बताता है किसी एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ उसी सेंटेंस में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। उस सेम सेंटेंस में दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, या नाउन हो प्रोनाउन है, उनके बीच का जो रिलेशन बताता है उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। अब देखिए एक एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड, आप अभी जो प्रेपोजिशन पढ़े उस प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जिसको आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में करना है, और साथ ही साथ आपके बुक वर्क में भी जो एक्सरसाइज दिया हुआ है अगर वो आप खुद से करोगे तो आपको प्रेपोजिशन और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया है, पिक आउट द प्रेपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम ऑन द ब्लैंक लाइंस। इसमें से प्रेपोजिशन क्या करना है, चुनना है और उसको उन खाली जगहों पर लिखना है। तो दिया, देयर इज अ वॉल अराउंड द स्कूल, कह रहे कि एक वॉल है जो कि इस स्कूल के चारों तरफ है। तो यहाँ पे पहले देखो दो नाउन या प्रोनाउन कौन है, तो एक तो वॉल है और दूसरा स्कूल है।
ये दो नाउन को रिलेट करने का काम कौन सा वर्ड करना है? राउंड करना है, ठीक है? ये आपको करना नहीं, आपको बस ये चुन देना है कि राउंड जो है वो इस दो नाउन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये राउंड किया हुआ प्रीपोजिशन हुआ, तो यहाँ पे राउंड लिख देना है, ओके? उसी तरह आप देख सकते हो कि शी वॉज अमॉन्ग द क्राउड, वो क्या है, भीड़ के बीच में है, भीड़ में है, ठीक है, भीड़ के साथ है वो। तो यहाँ पे शी वॉज अमॉन्ग द क्राउड, तो यहाँ पे शी एक प्रोनाउन है और यहाँ पे क्राउड एक नाउन है। उस दोनों को रिलेट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? अमॉन्ग यूज हो रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो गया? अमॉन्ग हो गया, ठीक है। उसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। तो यहाँ डॉग और यहाँ कैट, डॉग जो है वो कैट के पीछे दौड़ गया। तो यहाँ पे डॉग और कैट जो दो नाउन है, इसको रिलेट करने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? ये आफ्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आफ्टर, जो कि एक प्रीपोजिशन है। उसी तरह लेट अस वॉक अलोंग द बैंक, चलो हम लोग किनारे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? अस, जो कि एक प्रीपोजिशन, अस जो कि एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे बैंक जो कि एक नाउन है। तो इस दो चीज को रिलेट करने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? अलोंग। तो अलोंग क्या हुआ? एक प्रीपोजिशन हो गया। उसी तरह द लीव अक्रॉस द रिवर, वो नदी के उस पार रहते हैं। तो यहाँ पे दे और रिवर, इस दोनों को रिलेट करने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? अक्रॉस। तो अक्रॉस क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में अब आ गया होगा। कोई भी इससे कंफ्यूजन हो प्रीपोजिशन से या कोई भी अदर टॉपिक जो कि अब तक आप पढ़ चुके हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो आप उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे कि जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो। एंड नाउ आपको वर्क है कि आपको अपना बुक वर्क कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर आई विल बी प्रोवाइडिंग योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्टडी।